अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त पटियाला रिज़ोर्ट टॉप पर हूँ और रेस्टोरेंट इत्तफाक से PTDC का हमें खुला मिल गया। ये 9 बजे तक सर्विस देती है, तो आप देख सकते हो हर तरफ खामोशी है। इस वक्त कोई टूरिस्ट विज़िटर नहीं है। जो लोग भी केबल कार से या बाई रोड भी आते हैं, उन सब को 5 बजे तक अनाउंस किया जाता है कि भई आप वापसी निकल लें, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ यहाँ बंद हो जाता है। तो चूंकि हम लोग इधर नीचे पोर्ट्स पे रुके हैं, तो इस वजह से हम लोग इधर हैं। इसके अलावा कोई टूरिस्ट इधर नहीं है और थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल मुझे इस तरह की फीलिंग्स आई कि दुनिया से कट गए हैं आप, और यहाँ ऊपर टॉप पे कोई नहीं है, तो आप बिल्कुल अकेले हैं। और बर्फ़ कल काफ़ी पड़ी है और आज अभी भी आप देख सकते हो, हम लोग निकले हैं तो एक तह सी ज़मीन के ऊपर जो है वो बिछना शुरू हो गई है, और ज़्यादातर चांसेस हैं बारिश और स्नो के रात को भी। इंशाल्लाह अल्लाह सब के लिए खैर आफ़ियत रखें। तो मैं पोर्ट में थोड़ा सा वो हो गई थी, क्या कहते हैं, तन्हाई का शिकार शायद, तो मैंने सोचा चले थोड़ी सी वॉक करती हूँ। ये PTDC का जो रेस्टोरेंट है, होटल, ये बिल्कुल पोर्ट्स के साथ है, ठीक है। तो मैंने इनसे सूप, वेजिटेबल सूप रिक्वेस्ट किया, तो मैं आपको यहाँ से पोर्ट्स दिखाती हूँ। इससे पहले भी मैं आपको ये जगह विज़िट करवा चुकी हूँ। ये आउटडोर किचन है इनका, बारबेक्यू वगैरह का, लेकिन यहाँ स्टाफ मौजूद है, कुछ लोग हैं जो शायद यहीं सोते हैं या जो भी हैं। तो बाकी ये देखिए जनाब, ये नीचे जो आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये पोर्ट्स की हैं, ठीक है। ये हमारा PTDC का है, पंजाब टूरिज़्म डेवलपमेंट जो है, ठीक है। इन्हीं में से मेरा ख़्याल है, नहीं, थोड़ा सा उस तरफ सेंटर में जिधर मैं रुकी हुई हूँ, स्टे किया हुआ है। तो बाकी आज तो इतनी एक्टिविटीज़ नहीं रही, लोग थे आसपास, थोड़ी वॉक की आसपास और बस। तो बाकी मज़े की जगह है, बहुत सारे लोग जानते हैं पटियाला को। तो देखें बर्फ़बारी की क्या सूरत हाल होती है, और ये है भी वीकेंड, तो ज़्यादातर चांसेस हैं लोग मरी का रुख करेंगे। ऊपर माल रोड पे तो सुना है काफ़ी बर्फ़ है, लेकिन मेरा अभी उधर नहीं जाना हुआ, देखें कल प्रोग्राम बनता है तो ऊपर से होके आएंगे। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही, तो फिर बात होती है आपसे।